हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ट्रुथ और डेयर। तो ये पर्चियाँ मेरी मामी ने बनाई है, हमको भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो हम दोनों खेल रहे हैं, तो देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। तो पहले तो हम स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। मतलब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दे सकता हूँ। तो जैसे मेरे उसमें अभी लिखा है डेयर, तो मेरे को डेयर करना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है कुछ भी, मैं बोल सकता हूँ कि गो टू द रोड एंड डांस वूंस, जो भी होगा। तो ऐसे, तो सबसे पहले तो हम दोनों स्टोन पेपर सीजर करते हैं, उनको ऐसे अभी रख। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टोन पेपर सीजर करने वाले हैं। 3 पॉइंट का है। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, मुन्नू 1 किट्टू 0, लास्ट ये विनिंग है, ठीक है? स्टोन पेपर सीजर। ओ जैसे कि आपको पता चल गया है कि आरव जापुर जीत गया है। तो अब मैं पर्ची लेता हूँ। कौन सी? तो किट्टू मेरे लिए पड़ेगी। अभी मेरे को कुछ पता नहीं आया है। गो On terrace and sing a song, या फिर shout करना होगा, I think, है ना? You have to go and either sing a song or shout loudly. तो आप तैयार है आरव प्रो? चलो guys, okay, चलो फिर अब हम छत पे चलते हैं इस task का next part करने के लिए। आइए guys, अरे बाप रे, मैं क्या थोड़ी थोड़ी बारी चलिए। गाइस तो हम छत में पहुंच चुके। मतलब सिर्फ चिल्ला भी सकते हैं? कुछ भी यार, कुछ भी, एकदम बिंदास कर। तो मेरी बहन आ रही है, निकाल, कोई एक ही निकाल रही है। क्या है? डेयर। वो है सेम है डेयर। सेम नहीं। हमें कुछ चेंज चाहिए। रख दे दूसरा निकाल, चल। सॉरी गाइस, ये ऐसे ही रहता है घर में। क्या क्या क्लास के बीच में कुछ खाया है? यस गाइस, मैंने क्लास के बीच में बहुत कुछ खाया है, जैसे कि चॉकलेट चिप्स वगैरह, फर्स्ट बेंच पे बैठ के वो भी। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, मैम ने देखा था बस। कुछ कहा मैम ने? नहीं। तो सुनिए किट्टू की टीचर्स डून ब्लॉसम्स की, और किट्टू के मम्मी पापा, किट्टू अपने स्कूल में ऐसी हरकतें करती है। तो चलिए अब मेरी बारी है, इसको साइड में रख दो। तो अब तो मैं निकाल रहा पर्ची, देखते हैं इसका डियर आया। गो आउट एंड टीस एनीवन और ऑन रोड और नेबर, यानी कि तुम्हें बाहर जाकर किसी को भी छेड़ना है, चिढ़ाना है, कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? तो चलिए चले बाहर। पहले तो हमें माहौल देखना पड़ेगा कि कोई है भी जिसे हम टीज कर सके। गेट से झांक रहे थे। ये हमें इस वीडियो के चक्कर पिटवाएगा और कुछ नहीं। स्कूटर वाला आ रहा है भाई, देखते हैं गाइस। मुझे लग रहा है हम पिटेंगे एक ना एक से। तो चलिए अब मेरी बहन की बारी आ गई है वापस से, तो चलिए चलिए। टू टू डू डू टू टू डू डू डू। तो पर्ची कहाँ रखी? तो इस पर्ची को साइड रखते हुए साइड रख दो। तो मेरी बारी है गाइस। तो अब इसकी बारी है, पढ़। मेरा है डेयर ड्रिंक अ वेयर्ड मॉकटेल प्रिपेयर्ड बाय मामी। ओह मामी आपको मिल गई ड्रिंक।
चलिए फिर चलते हैं, फिर इसके लिए कुछ खतरनाक ड्रिंक प्रिपेयर करने। तो गाइस ये तीन चीजों का यूज हो रहा है, पानी तो वही चाहिए यार। ठीक है तो सबसे पहले हम ये चीज डालेंगे, अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये सीक्रेट है। हाँ, वरना किट्टू को पता चल सकता है। इतना सारा हमने डाल दिया है, ये इतना सारा इतना सा डाला है। नेक्स्ट यही जो टेस्ट है ना उसके हिसाब से बहुत सारा है। ये तो बहुत है, इसको तो सिर्फ थोड़ा सा डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये दो चीजें तो चलो अच्छी डल गई है ना अब तो, पर जो इस चीज इसको खराब करेगा वो भी तो हम डालेंगे ना। ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चॉकलेट पसंद है ना बंदी को, चॉकलेट पिलाएंगे हम इसे। रुको हम इसे फूल से मिक्स कर देते हैं, ये जो हमारी मॉकटेल है। नमक डाल दे, नमक गाइस मैं नमक डाल रहा हूँ थोड़ा छोटी। तो गाइस ये दोनों चीजें हैं, लाओ भाई साहब देखो भाई देखो भाई कैसी लग रही है वो भाई थोड़ा ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हमें हम खाते हैं पिए इस डिश को और इंजॉय करें। इंजॉय बोल दे इसको, चलिए चलिए शुरू करते हैं। किट्टू के लिए हम ये डिश ले जाते हैं। किट्टू हम आ गए, हो गई तैयार। हाँ ये देखो तुम्हारी कॉकटेल तैयार है। तुम्हारी कॉकटेल तैयार है, इसमें क्या है? पियो अब गाइस, पियो। तुम्हें बताना भी है ठीक है? क्या पी, तू पहले पी फिर बताइयो कि क्या क्या है। ठीक है और पी के फिर बताइयो कि क्या क्या है। ठीक है और पी के दिखा। ओ हमारी किट्टू पी रही है, पी रही है। ओ माय गॉड, पानी भी ना, इसमें वाटर है, लेमन जूस है और हर्षी से शायद। ओके और बस, और मेरे को मिर्ची जैसा दिख रहा था कुछ। और बस चीनी, चीनी और एनीथिंग एल्स पता नहीं, पूरा सारा सही है। बस एक चीज इसने मिस की है, इसमें नमक था, इसमें लेमन जूस था और वो था ब्लू कलर का, इसमें मोजिटो का कलर थोड़ा सा फ्लेवर था और क्या था, पानी, पानी तो ऑब्वियसली था ही इसमें और हर्शीज था। पी के कैसा तो लगा आपको? ठीक ही था। तो मेरी तो क्लैपिंग हो जाए किट्टू के लिए, इसने हमारी ये बेकार सी ड्रिंक पी है, पी लिया वो। अब इसकी आरफ की बारी है, तो चिट उठाई। ए आया बड़ा, इसका त्रुट आया है, क्या झूठ बोला है स्कूल नहीं जाने के लिए। ओ बता बता अपना सीक्रेट बता, क्या तूने कभी स्कूल से छुट्टी मारने के लिए या कुछ करने के लिए? 10-15 बार। चल फिर आगे बता, बहाने बता क्या हमारे है। मेरा पेट दर्द हो रहा, मेरे को बुखार आ रहा, मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरा हाथ दर्द हो रहा, मेरा पैर दर्द हो रहा, मेरी एडी दर्द हो रही। गाइस ये तो झूठ का एक भंडार है। उल्टी जैसा मन हो रहा, मेरा पेट अजीब सा हो रहा है। गाइस क्या है ये? गाइस आई होप आपको थोड़े एक्सक्यूजेस मिल गए हो जिससे आप जिससे आप छुट्टियां ले सकते हैं। अब बस फोर ही चीज। तो गाइस मेरी तो हो गई है, तो जो मैंने आपको टिप दी थी वो तो काम कर लेना छुट्टी मारने के लिए। मेरी बहन की बारी आ चुकी है, लो ले ले। क्या मिला गाइस? मेरा अरे यार कुछ चोरी किया है। यस गाइस मैंने घर में बिस्किट वगैरह खाए हैं, मम्मी को वो 5 महीने के बाद पैकेट वगैरह मिलते हैं, मतलब खा के पैकेट फेंक देती है। यस गाइस और क्या चोरी किया है? खाने के सामान में बिस्किट और चॉकलेट वगैरह, टॉफी। ओ और तुम, माना कि डेट तुम्हारे पास टूट नहीं आया, पर तू भी बता कुछ चोरी किया है? नहीं चोरी नहीं किया, बगल वाले मेरा नाम लगाते थे, मेरे दोस्त आए थे चोरी करने, ये बगल में आम मेरा नाम लगा रही है बगल वाली। क्या 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 आम आम चोरी करने मेरे दोस्त आए थे,
तो मेरा क्या उसमें फायदा, मतलब मेरा क्या कसूर, मेरा क्या फायदा? हाँ, इसमें मेरा क्या फायदा? मैंने थोड़ी नाम चुना है और मैंने सुना है तुझ पे वो भी लगाए थे इल्जाम कि तू उनका बगीचा खाली कर रहा है। झूठे इल्जाम लगाती है बगल वाली। तो गाइस हो गई, साइड रख लीजिए। ओके ओके चल फिर, अब हो जाए ट्रूथ देयर तेरा भी। गाइस अब इसकी बारी है। गाइस इसका आया है, क्या आया बताइए जरा। सडन बार्क लाइक अ डॉग, यही तो नहीं आया? बेटे चलो गाइस चलिए बाहर चलते हैं, रोड में करना है, नीचे जाना है बेटा आपको, जाओ नीचे जाओ, बार्क लाइक अ डॉग। ना बस तुझे बार्क करना है, हम नीचे चलते हैं, इसकी बार्किंग की एक्टिविटी देखने। कुत्ता है तो कुत्ता बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यही तक थी, तो सारी पर्चियां हम यहाँ रख लेते हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।